बहुजन समाज पार्टी की ओर से राजस्थान में बड़ा ऐलान कर दिया गया। दरअसल आपको चले तो राजस्थान में कुछ महीनों के बाद यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी ने तमाम 5 सीटों को लेकर अपना प्रत्याशी उतारने को लेकर ऐलान कर दिया। दरअसल आपको चले तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की लखनऊ में हुई बैठक में बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा सहित तमाम नेतागण पहुंचे और इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान के तमाम उपचुनाव सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। इस बात की जानकारी भगवान सिंह बाबा ने प्रेस नोट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में होने वाले 5 सीटों पर उपचुनाव, साथ ही आपको इसी साल होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ने को लेकर तैयार है और अब बड़ी खबर यह मिलने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से इन विधानसभा सीटों के बाद कहीं पूरे बदलाव भी पार्टी के अंदर हो सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं को लेकर यह 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर करो और मरो की स्थिति है। तो यानी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा होने वाले उपचुनाव 5 सीटों पर उपचुनाव और निकाय चुनाव में राजस्थान के अंदर पूरी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही। इस बात के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने प्रेस नोट जारी करते हुए दे दिए। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन रहेगा और बहुजन समाज पार्टी की तमाम खबरों को पाने को लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना